Hello everyone, myself Karishma Patil. I am from Maharashtra. I completed my MSc in Industrial Statistics. After MSc, I was so confused too about my career. But my senior suggested me a pharma stat. It is in Ahmedabad. MSc tak main out of state nahi gayi thi. So I was so scared. Means mujhe bahut dar lag raha tha ki new state, new peoples and new journey for me. तो हाउ आई डिड मैनेज बट जब फार्मा स्टेट में इंटरव्यू तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं आउट ऑफ स्टेट आई हूँ. फर्स्ट डे में ही ट्रेनिंग के बहुत कुछ सीखने को मिला अबाउट सब्जेक्ट. एवरी टीचर टीचर्स बट नो वन कैन टीचर्स हाउ टू सर्वाइव इन इंडस्ट्री, हाउ टू सर्वाइव इन रियल लाइफ. तो फार्मा स्टेट ने बहुत कुछ सीखा है. जब हमारा फार्मा स्टेट का जर्नी स्टार्ट हुआ तो हमने प्रैक्टिकली और इमेजनरी पढ़ना स्टार्ट किया और मैम ने भी उसी तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया. एमएससी तक हमारा सब्जेक्ट नॉलेज और स्टैटिस्टिक्स, बायो स्टैटिस्टिक्स, उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट ओनली माइंड में था. बट आफ्टर दैट हमने फार्मा स्टैट में एंट्री करने के बाद वो प्रैक्टिकली समझा. फार्मा स्टैट में हमने बायो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स और साथ में सेल्फ प्रोग्रामिंग भी सीखी. फार्मा स्टैट हमारे लिए एक फैमिली है. उस फैमिली ने हमें बहुत कुछ सिखाया है जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल और हाउ टू कन्विंस पीपल, हाउ टू फेस प्रॉब्लम, स्टेज डेरिंग. तो ऑलमोस्ट 3 मंथ की जर्नी होती है फार्मा स्टैट. फर्स्ट मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था. सेकेंड मंथ से हमारे इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले थे तो बहुत डर लग रहा था. हम फ्रेशर थे, हमें एक्सपीरियंस नहीं था तो कैसे इंटरव्यू को फेस करना. तो उस टाइम मैम ने हमारे लिए गेस्ट लेक्चर्स अरेंज किए. तो जो गेस्ट लेक्चर थे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थे और हमने बहुत कुछ सीखा उस गेस्ट लेक्चर से. मीन्स हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सब बातें. उसके बाद हम एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज लेते थे और इंग्लिश में डिस्कशन चलता था हमारा सब्जेक्ट एनी टॉपिक्स पे. तो उसका उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और उसके बाद हमारे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हुई थैंक्स टू फार्मा स्टैट. एंड जब हमारे लास्ट का मंथ था तो उसमें हमने जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट किया तो उस टाइम हमें समझ में आया कि बायो स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस सीआरओ और फार्मास्यूटिकल्स में क्या है. तो थैंक्स टू फार्मा स्टैट, थैंक्स टू निरंजन मैम. आई वाज ग्रेट एक्सपीरियंस विद फार्मा स्टैट. आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज विद यू. आई गॉट प्लेस फाइनली एज अ बायो स्टैटिस्टिशियन इन माई ड्रीम सिटी बैंगलोर. थैंक्स टू फार्मा स्टैट, थैंक्स टू निरंजन.